दादा 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 हट जाइए सामने से वो दादा दादा सर रुकिए ना पंकज जी। पंकज सर 10 साल पूरे हो गए हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे, कितना एक्साइटेड हो? कुछ नहीं, अच्छी बात है, 10 साल हर चीज़ के समय पूरे होते हैं, वासेपुर के भी हो गए हैं। कैसा फील हो रहा है? नहीं कुछ नहीं फील कर रहे हैं, बस हम आए थे, हमने बातचीत कर ली। धन्यवाद, मंत्र ठीक है। हाँ जी ये ले लो, खादी है, खादी पहन लो, ये दिखाओ, भारत ये आत्मनिर्भर भारत है, अपना फैब्रिक। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत मजेदार, बिलीव नहीं होता कि 10 साल हो गए, आई एम सो हैप्पी कि यहाँ पे हम कपिल के शो के ऊपर। मनोज सर साथ में, मनोज सर साथ में आइए ना, साथ में सेलिब्रेट कम ना। अरे उसके साथ में फैजल खान अच्छा लगेगा। नहीं नहीं कम सर 10 साल कंप्लीट हो गए, इसके बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत बड़ी हो गई, बहुत बड़ी स्टार भी हो गई। नहीं नहीं 10 साल में जब शूटिंग कर रहे थे, जब हम प्रमोशन कर रहे थे, तो यू सेड समथिंग वेरी स्वीट टू मी, आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड यू नो ही सेड कि ये फीलिंग को हमेशा याद रखना, बिकॉज़ व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ ना, ये फीलिंग कभी दोबारा ना आए। एंड नाउ हम जब प्रमोशन करते हैं, यू नो, हम थक जाते हैं और इरिटेट होते हैं, आई ऑलवेज रिमेंबर यू एंड आई रिमेंबर दोस वर्ड्स व्हाट यू सेड। कुछ बिकम से रिपीटेटिव, पहली फीलिंग होती है दैट एक्साइटमेंट, दैट मैजिक, उसको याद करके रखना, उसको सजो के रखना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज उससे थोड़ी सी ये लगता है कि फील ग्रेटफुल। एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू नो आई हैड यू गाइस एज माय फैमिली। बहुत अच्छी बिरयानी आती है इनके घर से, इसीलिए कास्टिंग हुई थी मेरी। ओके थैंक यू। थैंक यू।